तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ आलोंग के लिए। आलोंग आलोंग नामसाई से, और शायद नामसाई से आलोंग का 270 किलोमीटर अप्रोक्स ऐसा होता है। तो वहाँ पे दोस्त का शादी है, वो शादी अटेंड करने के लिए जा रहा है। देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। अभी जा रहे हैं सुथीन को पिकअप करने, एक के बाद एक पिकअप कर रहे हैं। सबसे पहले पहले किसको पिकअप किया? पहले हम खुद को पिकअप किया। ये हमारे बाबू भाई, बाबू भाई आ गए हैं। और हमारे दूल्हा बहुत ही खुश है आज। यहाँ से आलो कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 12 से अभी रास्ता तो बहुत करनी जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों के साथ में। तो कभी भी आप लोग आलो आएगा तो हमेशा दोस्तों के साथ आओ। और बोलता है ना कि मंजिल में क्या रखा है, मजा तो रास्तों का है ना, वही है। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिला है हमको। मैं कब से झरना के तलाश में था तो यहाँ पे एक झरना मिला जो पूरा पहाड़ का ऊपर से आ रहा है। तो आप लोग दिखा रहा है कि ये झरना कितना खूबसूरत है, और देख के तो हम लोग को यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है कि उसका सामने जाओ। तो
चलते हैं। तो ये रहा झरना जो पूरा ऊपर से आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। तो मुकेश, ये झरना आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप लोग क्या नहाए? मुझे मधुमक्खी ने काट दिया है आग के फूल की। तो अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं यहाँ पे। पानी जो बहुत ही ठंडा है, इंजॉय कर रहे हैं पानी का। तो शायद नहाने के लिए डर रहे हैं। यहाँ पे कोई ढूंढ रहा है हमारे बाबूजी। क्या ढूंढ रहे है भाई? वो कुछ ऐसे ऐसे करेगा, बोले भीख मांग रहे। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, ना धूप ना बारिश।